मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कवि गोष्ठी। प्रतिभागी है श्री सत्यपाल सजग, राम अवतार शर्मा, श्री संजीव शशि। आकाशवाणी द्वारा आज बहुत ही सुंदर काव्य गोष्ठी सजाई गई है, जिसमें हमारे बीच हिंदी साहित्य के हिंदी मर्मज्ञ कवि मित्र उपस्थित हैं। तो मैं परिचय कराता हूं। सबसे पहले श्री संजीव कुमार मिश्र जी शशि, जो अच्छे गीतकार हैं, आज उनको सुनने का मौका मिलेगा। दूसरे हमारे बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार, छंदकार, कवि हिंदी साहित्य को समर्पित श्री राम अवतार शर्मा जी उपस्थित हैं। सौभाग्य है कि आज इस काव्य गोष्ठी में श्रोताओं को, हम सबको, इनके गीत छंदों को सुनने का अवसर मिलेगा। सबसे पहले पायदान पर श्री संजीव कुमार शशि जी को आमंत्रित करता हूं इन शब्दों से कि समदर्शी जिनके लिए कुछ भी नहीं अजीब, कविता वाचन के लिए आ जाओ संजीव। मैं सत्यपाल सिंह सजग श्री संजीव कुमार मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। संजीव मिश्र शशि का प्रणाम स्वीकारें। चार पंक्तियां निवेदित कि ढली उम्र ये राज छुपाना पड़ता है, ढली उम्र ये राज छुपाना पड़ता है, जिंदा हूं ये रोज बताना पड़ता है। वाह। नहीं सूर्य रहता है, नहीं सूर्य रहता है अंबर पर, अक्सर अंधियारों में दीप जलाना पड़ता है, अंधियारों में दीप जलाना पड़ता है। एक गीत निवेदित जीवन यात्रा का कि सांझ भाई अब घर आने को जी करता है, सांझ भाई अब घर आने को जी करता है, जी भर तुमसे बतियाने को जी करता है, जी करता था दे दूं तुमको मैं सुख सारे, आंचल में भर दूं लाकर मैं चांद सितारे, किंतु दिया तुमको जीवन अभावों वाला, अब रह रह कर पछताने को जी करता है। कि दो पल पास तुम्हारे बैठूं कब हो पाया, दो पल पास तुम्हारे बैठूं कब हो पाया, सब कुछ पाने की खातिर सब कुछ बिसराया, दो रोटी की भाग दौड़ में थे जो खोए, वो सारे पल छिन पाने को जी करता है। अंतिम पंक्तियां कि जी करता है तुम्हें निहारूं जी भर फिर से, जी करता है तुम्हें निहारूं फिर से जी भर, साथ साथ चलता जाऊं मैं हाथ थाम कर, हर पल अधरों पर है केवल नाम तुम्हारा, हर पल अधरों पर है केवल नाम तुम्हारा, गीत गीत तुमको गाने को जी करता है, सांझ भाई अब घर आने को जी करता है, जी भर तुमसे बतियाने को जी करता है। कहते हैं कि बेटियां हमेशा के लिए नहीं होती हैं, कुछ दिन की मेहमान होती हैं। जब उनका रिश्ता हो जाता है तो पिता की पीड़ा अलग स्तर पे पहुंचती है कि अब कितने दिन बचे। ये देखें कि कुछ दिन और बचे हैं बिटिया, अब बाबुल घर के जी चाहे बस रहूं देखता तुझको जी भर के, कुछ दिन और बचे हैं बिटिया, अब बाबुल
बुल घर के, तू है मेरी राज दुलारी, चंदा तारों से भी प्यारी, तुझसे सीने में है धड़कन, तुझसे घर आंगन है मधुबन, देख देख मुस्कान तुम्हारी, मेरा दिल धड़के, कुछ दिन और बचे हैं बिटिया अब बाबुल घर के, तू ही मेरी जीवन धारा, कौन भला है तुझसे प्यारा, जब से मैंने तुझको पाया तब से मुझको जीना आया, तुझको सुख मिलता है मेरी पीड़ा को हर के, कुछ दिन और बचे हैं बिटिया अब बाबुल घर के। और अंतिम पंक्तियां निवेदित कि किसके रोके समय रुका है, किसके रोके समय रुका है, विधि के आगे पिता झुका है, तू तो मेरी है परछाई, देनी होगी तुझे विदाई, तुझको चल देना है सबको सम्मोहित करके, कुछ दिन और बचे हैं बिटिया अब बाबुल घर के। कुछ पंक्तियां, छोटा सा गीत निवेदित आज की परिस्थितियों पे, कि माँ का है मैं हुई बड़ी, माँ का है मैं हुई बड़ी, गली सड़क बाजारों में भी अब लगता है डर, तू भी तो व्याकुल रहती, मैं कब लौटूंगी घर, आशंकित आंखें द्वारे पर हर पल रहे गड़ी, माँ काहे मैं हुई बड़ी, माँ काहे मैं हुई बड़ी। और अंतिम पंक्तियां गीत की, कि ये समाज या कोई जंगल, माँ तू ही बतला, लाज हुई शीशे के जैसी, कैसे दूं झुटला, टूट नहीं जाए ये शीशा दुविधा घड़ी घड़ी, माँ काहे मैं हुई बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजीव कुमार मिश्र जी द्वारा मार्मिक बहुत ही शानदार प्रस्तुति। अब मैं गोष्ठी के अगले पायदान पर हमारे वरिष्ठ गीतकार हैं दादा श्री राम अवतार शर्मा जी, उनके लिए कहना चाहता हूं कि आप इस काव्य गोष्ठी में चार चांद की जगह पर लगा दीजिए आठ, और दादा राम अवतार जी करिए कविता पाठ। दादा राम अवतार जी से आग्रह है कि अपना काव्य प्रस्तुत। सबसे पहले अपने भारतीय ध्वज तिरंगे के संबंध में कुछ पंज कहना चाहता हूँ। पावन पुण्य प्रताप का पुंज है भारत का अभिमान तिरंगा, पावन पुण्य प्रताप का पुंज है भारत का अभिमान तिरंगा, शांति समृद्धि सुसाहस का निज राष्ट्र का गौरव गान तिरंगा, मध्य में चक्र निरंतर ही रही है कहता गतिमान तिरंगा, दृष्टि उठे तिरछी जिसकी उसके लिए काल समान तिरंगा। और हमारे बन जो है शंकर जी की तरह विष पीते रहते हैं उस संबंध में देखें कि दिन रात कारखानों से निकलता है धूम, वाहन भी गगन में धूम ही है भरते,
जीवन के हेतु प्राण वायु है जरूरी, किंतु साधन विकास के उसी को नित्य हरते। जीवन के हेतु प्राण वायु है जरूरी, किंतु साधन विकास के उसी को नित्य हरते। संबंध है, बड़े स्वाभिमानी हैं, सबको सुख पहुंचाया करते, ये अद्भुत दानी है। धरती से पाते पोषण, रवि से पाते हरियाली, प्राण वायु सबको देते हैं, इनकी रीति निराली। वैभव में नत नम्र सदा रहना स्वभाव है जिनका, और झुकता नहीं अकिंचनता में कभी शीश है इनका। इनसे जीवन पाया करते जग में सब प्राणी हैं, सबको सुख पहुंचाया करते ये अद्भुत दानी है। और अगला है कि पुष्प खिलाकर जनमानस का अंतःकरण खिलाते, हरित पर्ण से ये जग में शोभा नूतन सरसाते। फूल और फल तो ये परहित ही धारण करते हैं, समदर्शी हैं, मधुरित में ये मन सबका हरते हैं। करते नहीं विरोध लोग करते इनसे मनमानी है, सबको सुख पहुंचाया करते ये अद्भुत दानी है। और अगला बंद है, ये सबके सच्चे साथी हैं, देते कभी न धोखा, एक वृक्ष दस पुत्र बराबर इनका विरद अनोखा। इनकी छटा अनोखी लख जल वर्षण करते घन है, ये जन जीवन के आधार और निर्धन के धन है। ये समृद्धि के मूल काट करते इनको नादानी है, सबको सुख पहुंचाया करते ये अद्भुत दानी है। और अंत में कि इनके संग में रहकर पाते सिद्ध तपोव्रत धारी, रक्षण पाकर वन्य जीव कहलाते विपिन बिहारी। ये सपूत धरती माता के मानवता के सहचर, हो निर्द्वंद बसेरा करते इन पर सुख से नवचर। इनमें जीवन बसा काटते इन्हें सदा अज्ञानी है, सबको सुख पहुंचाया करते ये अद्भुत दानी है। नहीं मांगते कभी किसी से, बड़े स्वाभिमानी है, सबको सुख पहुंचाया करते ये अद्भुत दानी है। और हमने अपनी सुविधा के लिए सब जंगल काट दिए हैं जी, तो उसका परिणाम क्या हो रहा है देखें चार पंक्तियों में। कि तप्त तवासी तपे धरती, रवि रश्मि उज्ज्वल को रूप धरो है। तप्त तवासी तपे धरती, रवि रश्मि उज्ज्वल को रूप धरो है। पौन चले पछुआ बन लुक, दहे जग जीवन तो सिगरोए। व्याकुल जीव भये सिगरे, अब लागत है जग जात जरोहे। पादप काट उजार करे वन, ताप सहो जब पाप करोहे। और गौरैया आजकल लुप्त प्राय हो रही है जी जी, इसके संबंध में चार पंक्तियां हैं। के छप्परों में घोंसला बना के रहा करती थी, ची ची चू चू करती थी, अब दिखती नहीं। छप्परों में घोंसला बना के रहा करती थी, ची ची चू चू करती थी, अब दिखती नहीं। फुदक फुदक घर आंगन में खेलती थी, मनमोद भरती थी, अब दिखती नहीं। छप्पर भी रहे नहीं, घोंसला बनाए कहाँ, रहने को तरसी थी, अब दिखती नहीं। और टावरों के सिग्नल से भी प्राण संकट में तिल तिल मरती थी, अब दिखती नहीं। वाह, बहुत सुंदर। एक छंद उसमें देखें
कि रघुनाथ को माथ छुए रवि रश्मि प्रभासों बढ़े अति सुंदर ताई। दीननाथ कियो निज हाथन सो अपने कुल के तू की कीर्ति बढ़ाई। सुषमायत दिव्य बनी ते ही काल लखे सुधि देह की है बिसराई। अब देश लला छवि देखत ही सब दूरी भई जड़ता मलिनाई। एक छोटा सा गीत है जी, स्वागत पड़ी। अंतर मन की व्यथा कथाएं कहिए कैसे किसे सुनाएं। सिकता सा मरु में जलता मन बोलो शांति कहाँ से पाए। गिरगिट जैसे रंग बदलते गैर नहीं अपने ही छलते। अपने सुख से सुखी नहीं है सुखी देख औरों को जलते। इनको हम कैसे समझाएं बोलो शांति कहाँ से पाएं। और गला है कि शिशु के पालन में रत माता लेती तोड़ सुखों से नाता। बल यौवन पाकर ही वह सुत नीड स्वयं का दूर बनाता। सब कुछ सह लेती माताएं बोलो शांति कहाँ से पाए। और अंत में शैशव में पितु का घर द्वारा यौवन में पति प्राण से प्यारा और जरा में पुत्र सहारा। आश्रित ही रहती अब लाए बोलो शांति कहाँ से पाए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामोता शर्मा जी द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट करण प्रिय काव्य प्रस्तुति। अब उसके बाद में मैं सत्यपाल सिंह सजग कुछ अपनी कविताओं को प्रस्तुत करता हूँ श्रोताओं के सम्मुख। एक सामाजिक कुरीति है जो बेटियों की भ्रूण हत्या पर है, तो उसे रोकने के प्रयास हेतु मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। बेटियां बचाओ। बेटी पाली कोख में जिस माने नौ मास तीर्थ पुण्य देने उसे चल कर आते पास। जो रखते बेटे की चाहत वो क्यों है बेटी से आहत। जो रखते बेटे की चाहत वो क्यों है बेटी से आहत। बेटी घर में जब आएगी सारी खुशियां संग लाएगी। क्या बात। बेटी घर में जब आएगी सारी खुशियां संग लाएगी। पिता के घर पर आज है बेटी। पिता के घर पर आज है बेटी। कल ससुराल की लाज है बेटी। कल ससुराल की लाज है बेटी। दोनों में क्या अंतर बोलो बेटी को कम कभी न तोलो। दोनों में क्या अंतर बोलो बेटी को कम कभी न तोलो। हर कोई तब हो संपन्न घर घर कन्या हो उत्पन्न। हर कोई तब हो संपन्न घर घर कन्या हो उत्पन्न। अनहोनी को रोको टोको कन्या भ्रूण की हत्या रोको। अनहोनी को रोको टोको कन्या भ्रूण की हत्या रोको। एक रचना मेरी है कि हम देखते हैं कि हमारे सुरक्षा के लिए एक सिपाही सड़क पे खड़े होकर के हमें आगाह करता है कि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, तो है कि सदा हेलमेट अपनाएं। देखें कि कर्तव्यों से हटना ना हो प्रभु कोई दुर्घटना ना हो। कर्तव्यों से हटना ना हो प्रभु कोई दुर्घटना ना हो। बीच सड़क पर कड़ी धूप में जज्बा है कुछ उसके मन में। बीच सड़क पर कड़ी धूप में जज्बा है कुछ उसके मन में। है लोगों की आवाजाही और मित्र पुलिस का एक सिपाही। है लोगों की आवाजाही मित्र पुलिस का एक सिपाही। बरसा सर्दी धूप है सहता आते जाते सबसे कहता। आते जाते सबसे कहता कि स्कूटी या स्कूटर पर मोटरसाइकिल टू व्हीलर पर। स्कूटी या स्कूटर पर मोटरसाइकिल टू व्हीलर पर सफर करें तो सबसे पहले सिर के ऊपर हेलमेट पहने। सफर करें तो सबसे पहले सिर के ऊपर हेलमेट पहने। चलते वाहन ध्यान है रखना मोबाइल पर बात न करना। चलते वाहन ध्यान है रखना मोबाइल पर बात न करना। ना बैठाएं तीन सवारी ओवरटेकिंग रिस्क है भारी। ना बैठाएं तीन सवारी ओवरटेकिंग रिस्क है भारी। जरा सोचिए हर घटना पर
रोक लगाएं दुर्घटना पर। जरा सोचिए हर घटना पर रोक लगाएं दुर्घटना पर, नर नारी और छात्र छात्रा सफल आपकी रहे यात्रा, नर नारी और छात्र छात्रा सफल आपकी रहे यात्रा, धीरे चलें सुरक्षित आएं और सुखद सफल आनंद उठाएं, धीरे चलें सुरक्षित आएं सुखद सफल आनंद उठाएं, सावधानी यदि छूट जाएगी तो जिंदगी रूठ जाएगी, सावधानी यदि छूट जाएगी तो जिंदगी रूठ जाएगी, जो बाएं से दाएं जाते चिर निद्रा में वो सो जाते, जो बाएं से दाएं जाते चिर निद्रा में वो सो जाते, ना समझे अब आपकी इच्छा घर बच्चों को है प्रतीक्षा, ना समझे अब आपकी इच्छा घर बच्चों को है प्रतीक्षा, खुद जीवन का साथ निभाएं सदा हेलमेट को अपनाएं, खुद जीवन का साथ निभाएं सदा हेलमेट को अपनाएं, यातायात नियम अपनाएं सभ्य नागरिक तब कहलाएं, जन जन तक पहुंचे संदेश हो दुर्घटना मुक्त प्रदेश, जन जन तक पहुंचे संदेश हो दुर्घटना मुक्त प्रदेश। एक पर्यावरण पे एक छोटा सा गीत मैंने लिखा, इसी तरह होती रही हरियाली विध्वंस, ढूंढ न पाओगे कभी खुशहाली के अंश, उजाड़ हरियाली धरती से दी है उजाड़, उजाड़ हरियाली धरती से दी है उजाड़, उजाड़ दिए जंगल धरती से तूने उजाड़, उजाड़ दिए जंगल धरती से तूने उजाड़, बाग बगीचे बन पोखर उजाड़े, जीने के साधन जड़ से उखाड़े, बाग बगीचे बन पोखर उजाड़े, जीने के साधन जड़ से उखाड़े, उजाड़ी हरियाली करके कुठारा घात, उजाड़ी हरियाली करके कुठारा घात, उजाड़ हरियाली धरती से दी है उजाड़, पीपल आम आओला भूले, गांव के मेले वो सावन के झूले, पीपल आम आओला भूले, गांव के मेले वो सावन के झूले, उजाड़े बेल बरगद निमिया कहाँ लहरात, उजाड़े बेल बरगद निमिया कहाँ लहरात, उजाड़ हरियाली धरती से दी है उजाड़। देखे साहब की क्या होगा कि रूठी प्रकृति जल को तरसेंगे, होगा प्रदूषण अंगार बरसेंगे, रूठी प्रकृति जल को तरसेंगे, होगा प्रदूषण अंगार बरसेंगे, उजाड़ होंगी फसलें दिन में दिखेगी काली रात, उजाड़ होंगी फसलें दिन में दिखेगी काली रात, उजाड़ हरियाली धरती से दी है उजाड़। आओ धरा दुल्हन सी सजाए, दो पौधे कम से कम लगाए, आओ धरा दुल्हन सी सजाए, दो पौधे कम से कम लगाए, घिरेंगे काले बदरा मेघा करेंगे बरसात, घिरेंगे काले बदरा मेघा करेंगे बरसात, उजाड़ हरियाली धरती से दी है उजाड़, उजाड़ दिए जंगल धरती से दी है उजाड़, उजाड़ दिए जंगल धरती से तूने उजाड़। लुप्त होती विधा मैंने लिखने का प्रयास किया, देखें, ये घटा टोप घनघोर काली घटा, ये घटा टोप घनघोर काली घटा, जिसके आगोश में है गगन खो गया, मैं
मेघ गरजे इधर चमकी चपला उधर, मेघ गरजे इधर चमकी चपला उधर, पाके संकेत दोनों मिलन हो गया। दोनों मिलकर बरसते रहे रात भर, दोनों मिलकर बरसते रहे रात भर, उनके आनंद से तृप्त जग हो गया। खो गई मैं भी प्रीतम के आगोश में, खो गई मैं भी प्रीतम के आगोश में, प्रेम जल मेरे मन का सजर धो गया, प्रेम जल मेरे मन का सजर धो गया। दूसरा देखें कि देखो देखो, दो सखी बात कर रही कि देखो देखो सखी, अरे देखो सखी, मेघ काले घिरे हैं गरजने लगे। देखो देखो सखी, अरे देखो सखी, मेघ काले घिरे हैं गरजने लगे। देखते देखते हाय ये क्या हुआ, भीगा तन मन निगोड़े बरसने लगे, भीगा तन मन निगोड़े बरसने लगे। मेरा धड़के जिया बिन तुम्हारे पिया, मेरा धड़के जिया बिन तुम्हारे पिया, नयन दोनों मिलन को तरसने लगे। खिल उठे बन बिहग, खिल उठे बन बिहग, खेत खलिहान सब ऐसी वर्षा हुई, सब हरसने लगे, ऐसी वर्षा हुई, सब हरसने लगे। अगली रचना की ओर मैं चलता हूँ। माँ के पावन चरणों जैसे दुनिया में कोई पाँव नहीं, माँ के पावन चरणों जैसे दुनिया में कोई पाँव नहीं, उपकार तेरे लाखों मुझ पर तेरे आंचल जैसी छांव नहीं, उपकार तेरे लाखों मुझ पर तेरे आंचल जैसी छांव नहीं। जब तूने मुझको जन्म दिया दुनिया के कष्ट उठा करके, जब तूने मुझको जन्म दिया दुनिया के कष्ट उठा करके, फिर भी तू सदा रही हस्ती गोदी में मुझे बिठा करके, फिर भी तू सदा रही हस्ती गोदी में मुझे बिठा करके, मेरी हर गलती पर तूने डांटा डपटा और माफ किया, मेरी हर गलती पर तूने डांटा डपटा और माफ किया। खुद गीले में सोती रहती मुझको देती सूखा बिस्तर, खुद गीले में सोती रहती मुझको देती सूखा बिस्तर, तू कितना खुश थी मैं लाया जब विद्यालय से माँ लिख कर, तू कितना खुश थी मैं लाया जब विद्यालय से माँ लिख कर, तू लोरी मुझे सुनाती थी थपकी दे मुझे सुलाती थी। मैंने तुमको पाकर हे माँ साक्षात प्रभु को पाया है, मैंने तुमको पाकर हे माँ साक्षात प्रभु को पाया है। हे परमेश्वर इस दुनिया में जब जब भी मुझको जन्म मिले, हे परमेश्वर इस दुनिया में जब जब भी मुझको जन्म मिले, तब तब भारत की धरती हो माँ तेरी गोद का पुण्य मिले, तब तब भारत की धरती हो माँ तेरी गोद का पुण्य मिले। हे माँ तेरे उपकारों से मैं उऋण नहीं हो पाऊंगा, हे माँ तेरे उपकारों से मैं उऋण नहीं हो पाऊंगा, हर बार जन्म लेकर के माँ मैं तेरी गोद में आऊंगा, हर बार जन्म मैं लेकर के माँ तेरी गोद में आऊंगा। धन्यवाद मित्रों, आज की सुंदर काव्य गोष्ठी जो सजाई गई, हमारे मध्य में जो कवि गण उपस्थित थे, श्री संजीव कुमार मिश्र शशि जी और दादा राम अवतार शर्मा जी, जो अपनी श्रेष्ठ रचनाओं से सभी को ओतप्रोत किया, और मैं सत्यपाल सिंह सजग, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी, प्रतिभागी थे श्री सत्यपाल सजग, राम अवतार शर्मा, श्री संजीव शशि।